हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ खड़गपुर। अभी मैं हूँ खड़गपुर स्टेशन में। अभी तो अभी यहाँ पर ही हाँ, तो अभी यहाँ पर इतना तेज बारिश हो रहा है, इतना जोरदार बारिश हो रही है, क्या ही क्या। और आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो सबवे है, ये वाला खड़गपुर स्टेशन का बाहर जाने का सबवे है और अंदर आने का सबवे है। चलिए आप लोग और कुछ इसके बारे में बताते हैं, खड़गपुर स्टेशन के बारे में। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं खड़गपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 में बैठा हुआ हूँ। अभी तो अभी आप लोगों ने पूछा रहते हैं खड़गपुर स्टेशन के बारे में। अगर खड़गपुर स्टेशन में अगर आप नए हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि टिकट काउंटर किधर है और स्टेशन से बाहर कैसे निकलना है। तो आप लोगों को एक नंबर प्लेटफॉर्म आना है। एक नंबर प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पर एक नंबर प्लेटफॉर्म में आपको एक प्लेटफॉर्म में आपको चार चार टू एक स्टेशन, मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म में चार चार टू ट्रेन खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म जैसे है, जैसे कि 1A 1 1A 2 2B 3 3A 4 4A ऐसे करके है। यहाँ पर ही हम लोग का चार टू, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेशन में चार चार टू ट्रेन सब खड़ा होने के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड पासवे यहाँ पर बनाया गया है, जो कि अंडरग्राउंड पासवे से जाएंगे तो आप अपन सीधा एक नंबर से, एक नंबर में अंडरग्राउंड पासवे है बीच में। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में सबवे है यहाँ पर ही आपको आउटर जाने के लिए। और जो टिकट काउंटर जो है, टिकट काउंटर आउटर से नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि टिकट काउंटर कहाँ पर गिर रहा है, टिकट काउंटर बाहर में है। तो इस स्टेशन का और एक खासियत ये है कि यहाँ पर ही MS धोनी, जो कि महेंद्र सिंह, इस स्टेशन की और एक खासियत ये है कि यहाँ पर ही MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी सर जी, जो कि यहाँ पर ही TT थे, जिन्होंने यहाँ पर TT के तौर पर यहाँ पर काम भी किया है। और MS धोनी मूवी का शूट हुआ है, उसमें आपने देखा ही है कि यहाँ पर ही प्लेटफॉर्म में MS धोनी ने यहाँ पर ही MS धोनी मूवी का भी यहाँ पर शूट हुआ है। और वहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर ही MS धोनी का करियर यहाँ शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आकर बड़ी खुशी लगा। हम भी सोचे थे कि चलो कौन सा प्लेटफॉर्म में शूट हुआ था, जहाँ पर आपने सीन देखा था कि MS धोनी बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म में, और प्लेटफॉर्म में बैठ कर बोलते हैं कि
अपने सर को बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ सर, तो टेंशन में बैठे बैठे तो आज मैं भी वही फीलिंग ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आज मैं भी वही फीलिंग ले रहा हूँ जो कि एम एस धोनी ने लिया था, जैसे कि यहाँ पर टिकट, जैसे कि यहाँ पर स्टेशन में बैठे रहे, वो भी सोच रहे थे कि आगे लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि यहाँ पर आज मेरे को भी वही फीलिंग हो रहा है। और पूरा उसी तरह से यहाँ पर पूरा जोरदार बारिश भी हो रही है यहाँ पर ही, मतलब दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी वीडियो में बारिश कैसा हो रहा है यहाँ पर, झमाझम बारिश हो रही है। जब से मैं स्टेशन में आया हूँ तब से बारिश ही बारिश हो रही है, तब से मेरे को वही फीलिंग आ रहा है कि एम एस धोनी जब बैठा हुआ था स्टेशन में उस टाइम में भी ऐसा ही बारिश होता हो रहा था, और क्या ही कहना। और अभी तो ट्रेन आया नहीं है अपना, फिर भी थोड़ा से अपन कुछ बातें शेयर कर रहे थे इस खड़गपुर स्टेशन के बारे में। मैं तो पहली बार आया हूँ खड़गपुर स्टेशन, और खड़गपुर स्टेशन का छोटा छोटा व्यू भी आप लोगों को दिखाई देगा मेरे छोटे से वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा खड़गपुर स्टेशन का छोटा सा व्यू और छोटा सा जानकारी, जो कि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा अगर आप लोग नए हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन में। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए आज अपना आज जो है तो मन में इच्छा था कि धोनी भी कहाँ पर शूट हुआ, एम एस धोनी कहाँ पर फिटिंग करते थे, वो सब देखने का मौका मिला। और यहाँ पर हमारा खड़गपुर में आकर के अपने को भी बड़ी खुशी लगा, ताकि मतलब कि ये वाला जो फीलिंग है, ये वाला फीलिंग थोड़ी बार मिले ना, ये वाला तो मोमेंट है जो कि मैं भी जीना चाहता था, जो कि एम एस धोनी जीते थे। आज यहाँ पर टिकट टीटी सबको देख करके वो लोग फीलिंग आया कि एम एस धोनी यहाँ पर कैसे टिकटिंग कर देते हैं और कहाँ पर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी आप लोगों के साथ में बांटना चाहता था, इतनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। यहाँ पर तो खड़गपुर स्टेशन में आने के बाद मैं काफ़ी भीड़ देखने को मिला, काफ़ी ट्रेन हर वक्त यहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती है, कंटिन्यू ट्रेन आती रहती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Oh, man.